मध्य प्रदेश में कानून बनने के बाद भी तीन तलाक के मामले थम नहीं रहे हैं। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश में तीन तलाक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर मामला भोपाल से है, जहां तीन तलाक का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर तीन तलाक दिया है। आरोपी ने 2 लाख रुपए मांगे थे, जिसके बाद से दहेज के नाम पर लगातार मारपीट कर रहा था। 22 जुलाई 2015 को पीड़िता का निकाह हुआ था। आरोपी पति 3 तलाक के बाद दूसरा निकाह भी कर चुका है। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। अब सीधे सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस नए कानून का फायदा क्या है, क्योंकि राजधानी भोपाल में ही दूसरी बार 3 तलाक के मामले सामने आ चुके हैं। तो प्रदेश भर में नए कानून बनने के बाद से कई मामले सामने आए हैं। ये आरोपी मूलतः एसवाल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जो फरियादिया है वो थाना पटना नियंत्रित रहती है। शादी भी रिसेंट 2 साल पहले ही हुई है, और शादी के उपरांत इसमें जो आरोपी है कल इनके घर पर पहुंचा, इनके मायके पीड़िता के मायके, और वहाँ जा करके उसके द्वारा मौखिक रूप से 3 तलाक बोल के उसको तलाक दे के आया है। क्योंकि वर्तमान में ये विधि विरुद्ध कृत्य होने से इसमें अपराध पंजीबद्ध करके सेक्शन 4 मुस्लिम मध्य प्रदेश मुस्लिम विशिष्ट लोक अधिनियम के तहत 3 तलाक संबंधी जो कार्य होता है वो किया गया है, और उस अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की है।